स्वागत बंधन बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की क्लास में हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह भाग 2 इसको हम पढ़ेंगे और पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों आप पिक्चर में देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं आलोक धनवा जी को, इनके काव्यखंड के अंतर्गत पतंग पद्यखंड को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम पढ़ेंगे इनके जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताओं, रचनाओं, भाषा शैली के विषय में। आलोक धनवा कवि परिचय आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं काव्यखंड जो आरोह भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत हम पार्ट 2 है ना, आलोक धनवा जी के कवि परिचय मतलब इनको इनके परिचय को पढ़ेंगे और समझेंगे। इनके जीवन परिचय को पढ़ते हैं। आलोक धनवा जी का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सन 1948 में हुआ। ये सन 1970-80 तक जन आंदोलनों से जुड़े रहे। इन्होंने अल्पायु में ही लेखन कार्य शुरू कर दिया था। इनकी कविताएं जन साधारण में भी लोकप्रिय बनी रही। 25 वर्ष से भी कम आयु में इनकी कविताएं प्रकाशित हो गई थी और इनकी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने अपार ख्याति प्राप्त की। ये गत 2 दशकों से सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। इनका कार्य क्षेत्र संपूर्ण देश है। ये जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों के संचालक रहे। इन्होंने स्थायी रूप से कहीं नौकरी नहीं की, अपितु विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में रहे। इन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान एवं बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये था आलोक धनवा जी का जीवन परिचय। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं इनके इनकी रचनाएं। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, जनता का आदमी, उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनों की बेटियों से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है, काव्य संग्रह इत्यादि हैं। साहित्यिक विशेषताएं, इनकी रचनाएं सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश के इर्द गिर्द घूमती हैं। इनकी रचनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना अभी भविष्य पर ही निर्भर है, किंतु लोगों के हृदय को छू लेने वाला प्रभाव प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार से इनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं भाषा शैली। बिंबात्मक एवं प्रभावात्मक शैली के माध्यम से आम जनजीवन को उभारने का प्रयास इनकी रचनाओं में है। सामाजिक कला, प्राकृतिक चित्रण एवं सांस्कृतिक परिवेश से परिपूर्ण वर्णनात्मक शैली इनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी जो शैली है वो कैसी रही है, सामाजिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलापों से और प्राकृतिक चित्रण है ना, प्राकृतिक चित्रण से भरपूर एवं सांस्कृतिक परिवेश से परिपूर्ण, सांस्कृतिक परिवेश रहा है। और वर्णात्मक शैली यानी वर्णन करने की शैली इनके साहित्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर मैंने बच्चों आपको आलोक धनवा जी के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली से संबंध में मैंने आपको पढ़ाया और समझाया। जैसे कि आप सब जानते हैं परीक्षाओं में कवि परिचय, उनके जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली, रचना इत्यादि पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको पढ़ाया और समझाया। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा पाठ परिचय, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ।
कविता पतंग आलोक धनवा द्वारा रचित कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है से उद्धृत है। पतंग एक दीर्घ कविता है जिसका तृतीय भाग ही आरोह भाग दो पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कविता के अनुसार बाल सुलभ इच्छाएं पतंग के समान होती है। बाल सुलभ ने बच्चों के लिए यहां पर कहा गया। इच्छाएं जिनकी जो इच्छाएं होती है वो किसके समान होती है? पतंग के समान होती है। उनकी उमंगे पतंग के समान कैसी होती है? रंग बिरंगी होती है। आसमान में उड़ती हुई पतंग के समान बाल मन से उसे छूना और उसके पास वह जाना चाहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पतंगे जिसे रंग बिरंगी होती है, तो यहां पर बहुत सुंदर बाल मन को उस पतंग के समान कहा गया, उस रंग बिरंगी पतंग के समान कहा गया है, जैसे कि बच्चे उसको छूना चाहते, उसके पास जाना चाहते हैं और जैसी उनकी एक सोच होती है ना। इस प्रकार से यहाँ पर बाल सुलभ इच्छाएं पतंग के समान है, उनकी उमंगे पतंग के समान रंग बिरंगी है। उमंगे जो उनकी उमंग होती है, आसमान में उड़ती पतंग के समान, जो दूर आसमान में उड़ती है उसे छूना और उसके पास वो क्या करना चाहता है? जाना चाहता है। दूसरी तरफ शरद ऋतु में उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियों के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी तरफ शरद ऋतु में उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियों के बारे में वर्णन किया गया। प्रकृति की इस सुंदरता के कारण दिशाओं के बाजे बजते हुए प्रतीत होते हैं। दूसरी तरफ शरद ऋतु में उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियां, आपने देखा होगा बच्चों की तितलियां उड़ती हैं बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कलर में। प्रकृति की सुंदरता के कारण दिशाओं में बाजे बजते हुए प्रतीत होते हैं और पतंग उड़ाते हुए बच्चों के ऊंची छतों से गिरने का भय, किंतु बच्चों को इससे कोई भय नहीं लगता। पतंग उड़ाते हुए बच्चों के ऊंची छत से गिरने का भय रहता कि कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि उनका जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उनका पूरा ध्यान आसमान की तरफ होता है, लेकिन बच्चों को इससे कोई भय नहीं रहता कि वो कहाँ से गिर जाएंगे। वे गिरकर भी संभलना जानते, यदि वो कहीं देखते हैं कि यदि मैं गिरने वाला हूँ या पीछे कहीं कुछ ऐसा है कि मैं छत से कहीं गिर ना जाऊं, तो वो तुरंत अपने आप को आगे करके संभाल लेते हैं। लगता है जैसे प्रकृति का सारा सुख उन्हीं के पास है और वे जो है नई नई पतंगे बहुत ऊंचाई तक उड़ाना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं? नई नई पतंगों को वो जितनी भी डोर जाना चाहे, जितनी ऊपर भी पतंग आसमान में उड़ना चाहे, वो उतनी ही ऊपर पतंग को क्या करना चाहते? उड़ाना चाहते। और भाद्रपद मास के उजाला आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस प्रकार जो बच्चे हैं उनकी बहुत पतंग के समान रंग बिरंगी उमंगे रहती हैं, उनको किसी चीज का भय नहीं होता। यदि उनको भय होता भी है तो वह अपने आप को क्या कर लेते हैं? संभालना जानते हैं। और कहा जाए तो प्रकृति का सारा सुख उनके पास होता है और वह बहुत ऊंची आसमान में अपनी पतंगों को उड़ाना चाहते हैं। इस प्रकार से जो जैसे कि इसमें बताया गया है और हम कविता के माध्यम से और उसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि बालपन और बाल सुलभ इच्छाएं पतंग के समान इसमें बताई गई है। तो ये जो पतंग नाम की जो आज हम यहाँ पे पद्यांश पढ़ रहे हैं, काव्यखंड को पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि बच्चे की जो बाल सुलभ इच्छाएं हैं पतंग के समान। चलिए आइए पढ़ते हैं इसको आगे और कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो पिक्चर इसमें दी हुई है, जो बच्चे हैं वो बहुत ऊंची ऊंची पतंगों को उड़ाना चाहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती है और वो बहुत ज्यादा उनकी जो उमंगे हैं वो रंग बिरंगी पतंगों के समान होती है। चलिए पढ़ते हैं इसको। सबसे तेज बौछारे गई भादों गया सवेरा हुआ, सबसे तेज बौछारे गई भादों गया और सवेरा हुआ, सबसे तेज बौछारे गई भादों गया सवेरा हुआ।
खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए और जोर अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। बस अच्छी कविता, बहुत अच्छा पद्यांश। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। इसमें बहुत ही सुंदर इस पद्यांश के अंतर्गत बच्चों के जो उमंगे हैं वो उस पतंग के समान, रंग बिरंगी पतंग के समान। और इसमें ये बताया गया है कि अपनी साइकिल को तेज चलाना, घंटी बजाना, इशारों से बुलाना कि ताकि बच्चे जो पतंग उड़ाने वाले उनको झुंड को बुलाना, और सबसे हल्की और रंगीन चीज आसमान में उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज जो कहाँ उड़ता आसमान में, बांस की सबसे पतली कमानी कहाँ उड़ सके आकाश में। चलिए आइए हम इसके संदर्भ और प्रसंग और इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक आरोह भाग दो में संकलित पतंग नामक कविता से उद्धृत है। कवि आलोक धनवा ने अपनी कविता संग्रह दुनिया रोज बनती है कि कविता पतंग के तृतीय भाग के इस अंश में बालपन का सहज और स्वाभाविक वर्णन किया। शब्दार्थ समझते हैं। भादों घनघोर बरसते बादलों वाला मास, शरद सर्दी का प्रथम मास, किलकारी खुशी में कूकना या चिल्लाना, नाजुक कोमल या नरम। व्याख्या समझते हैं। भादों का महीना बीता, इस महीने में बहुत ही तेज बारिश हुई, बारिशों के बाद शरद ऋतु आई। यह ऋतु इतनी उजली थी मानो अंधेरे के बाद सवेरा हो गया हो। शरद का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल भूरा था, शरद का उज्ज्वल मास इस तरह उमंग उत्साह और चमक से भरपूर होकर छाया गया मानो कोई उत्साही बालक कई पुलों को पार करके अपनी चमकीली साइकिल को तेज से चलाते हुए जोर जोर से घंटियां बजाते हुए तथा पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आ धमका हो। शरद का उज्ज्वल मास इस तरह से था। आशय यह है कि क्या होता है शरद ऋतु में, चारों ओर क्या होता है, उत्साह होता है, उमंग है, धूप की चमक है, मीठा मीठा शोर है, खेलने के इशारे हैं और पतंगबाजी का भी क्या है माहौल है। यूं लगता है मानो शरद ऋतु रूपी बालक ने आकाश को बहुत कोमल साफ और मुलायम बना दिया है जिससे कि आकाश में पतंग उड़ सके। पतंग दुनिया की सबसे पतली और हल्की रंगीन चीज है। उसमें लगी बांस की कमानी भी बहुत पतली होती है। जब पतले कागज और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे क्या करने लगते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं, किलकारियां जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं। पतंगों से भरा आकाश ऐसा प्रतीत होता है मान
इस प्रकार पतंग से भरा आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती कोमल सृष्टि। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर मैंने आज आपको इनके जो पद्यांश हैं उसको समझाया, पतंग काव्य पाठ को समझाया। इसके आगे की जो कविता है उसको जब मैं क्लास लूँगी तब समझाऊँगी। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको कॉपी में या रजिस्टर जो भी आपने बच्चों बनाया है उसको आप लिखते जाइए और पढ़ते जाइए। धन्यवाद।